Ancient Mariner is the poem of guilt and regeneration. इस पूरी पोएम को ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा लगता है पोइट ने बताया है कि किसी ने कोई गलत काम किया, गलती की, मुजरिम ठहरा, गिल्ट हुआ और फिर उसने उसका पेनांस दिया, किसी तरह से कफारा दिया और वो रिस्टोर हो गया, बच गया। आइए इसको डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन इज दैट व्हाट द पर्पज ऑफ द पोएम इज, पोएम का पर्पज क्या है। मॉडर्न लिटरेचर ये कहता है कि कोई मॉरल, कोई लेसन डिक्लेयर नहीं करना चाहिए राइटर को, बल्कि रीडर को फील कराना चाहिए। ओके तो इंटेंशनली कॉलरेज ने इसके अंदर बकायदा कोई मॉरल नहीं रखा, बल्कि उसने कहा मॉरल फील कीजिए, कोई बात इसके अंदर है। जब मॉरल रख देते हैं तो फिर क्या होता है, स्ट्रेस आता है रीडर के ऊपर। जब मॉरल फील कराया जाता है, जस्ट लाइटली टच दिया जाता है, तो रीडर उसको अप्रूव करता है, एक्सेप्ट करता है। वाद सजेस्टेड दैट द मरीनर शुड किल द एल्बेट्रॉस। वाद कहता है कि मरीनर ने लाजमी एल्बेट्रॉस को मारा, एंड दैट द ईवल स्पिरिट्स शुड टेक इट अपॉन देमसेल्व्स। तो जो ईवल स्पिरिट्स थी वो जाग गई, उन्होंने अपने सर जिम्मा ले लिया, टू एवेंज बदले का, एवेंज द क्राइम, इस क्राइम के बदले का। एल्बेट्रॉस को मारा, दैट वाज अ क्राइम, तो ईवल स्पिरिट जाग गए, उन्होंने कहा बदला लेना है। व्हाइल कॉलरिज एड्स अ मॉरल दैट द मरीनर इज टू टीच बाय हिज ओन एग्जांपल। मरीनर को सीखना चाहिए अपनी ही एग्जांपल से। कॉलरिज कहता है मरीनर को सीखना चाहिए अपनी ही एग्जांपल से, लव एंड रेवरेंस, मोहब्बत और रिस्पेक्ट टू ऑल थिंग्स, तमाम चीज़ों के लिए, दैट गॉड मेक एंड लव इट, जिन चीज़ों को खुदा ने बनाया और उनसे मोहब्बत करता है। यानी कि कॉलरिज कहना चाहता है कि इंसान को खुदा की बनाई हुई तमाम मखलूकात से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि मरीनर ने एल्बेट्रॉस मारा तो उसको उसकी सज़ा मिली, इतना कह रहे हैं सिंपल। टू सम क्रिटिक्स थिंक दैट, कुछ क्रिटिक्स सोचते हैं एंशिएंट मरीनर हैज़ नो मॉरल, एंशिएंट मरीनर पूरी पोएम में कोई मॉरल नहीं। बट कॉलरिज रिप्लाइड दैट इन हिज जजमेंट इट हैड टू मच। कॉलरिज कहता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉरल मौजूद है। इवन के मैं भी ये सोचता हूँ कि एज अ क्रिटिक इसके अंदर कोई मॉरल नहीं। कॉलरिज हालांकि खुद कह रहा है इसमें मॉरल है, आप इस बात को फील कर रहे हैं। राइटर खुद कह रहा है कि मेरी इस पोएम में मॉरल है, लिखने वाला खुद कह रहा है। मैं क्रिटिक और रीडर कह रहा हूं कि इसके अंदर मॉरल नहीं है, है दिलचस्प बात। तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉलरिज की बात ही हतमी है, नो। कॉलरिज तो राइटर है, उसके जहन पर जैसे ख्यालात उतरते गए वो लिखता गया। अब कॉलरिज खुद ही अपनी पोएट्री को क्रिटिसाइज कर रहा है कि इसे मॉरल है जी, दूसरे क्रिटिक कह रहे हैं कि नहीं है, और ज्यादा ऑथेंटिक क्या है, नहीं है। अगर आप कहते हैं इसमें मॉरल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो इमेजरी शो की, इतनी बड़ी स्टोरी बनाई, वेज बनाया, कोई डीड बनाए, तो वो सारे के सारों का कद छोटा हो जाता है। अहमियत उन सीन्स की है, मनाजर की है, उस ड्रीम की है, ना कि मॉरल की है। ठीक। सो ईवल डूइंग ऑफ किलिंग ऑफ एल्बेट्रॉस एंड द गिल्ट ऑफ मरीनर, के एल्बेट्रॉस को गलत तरीके से मारा गया और मरीनर मुजरिम ठहरा, हैज ब्लेसिंग स्नेक, और फिर मरीनर ने स्नेक को ब्लेस किया, उनकी तारीफ की, एंड थ्रो दिस ब्लेसिंग मरीनर्स रीजनरेशन इज द मॉरल। जब उसने स्नेक्स देखे, उसने स्नेक्स की प्रेज की कि गॉड ने इनको बनाया है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, तो फिर बैलेंस हो गया, फिर मरीनर बच गया, उसकी निजात हो गई। रीजनरेशन का मतलब क्या है, रीजनरेशन का मतलब क्या है जी, निजात हो जाना, रिस्टोर हो जाना,
गलतियां माफ हो जाना, इंसान दोबारा पाक पकीज़ा हो जाए। पकीज़ा फिल्म देखी है? अल्लाह ना करे आप देखें, देखिए पकीज़ा फिल्म बहुत अच्छी है। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने छीना दुपट्टा मेरा। इंडियन है फिल्म कोई भी हो, जब पाकिस्तान में आकर चलेगी तो पाकिस्तानी हो जाती है। अच्छा, बनाने वाले तो खप मर गए और यहाँ पे आके चली तो वो पाकिस्तानी। ठीक है, जिस तरह आजकल शराब आई हुई है, उसके ऊपर लिखा हुआ है हलाल, ये हलाल शराब है। अब हराम शराब और है, हलाल शराब और है। आइए आगे देखते हैं। एंड द शिप, यहीं से पढ़ना है? नहीं, ये तो हो गया, मॉरल है ये। एंड बेसिक स्टोरी एंड द थीम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, यही रीजनरेशन मॉरल है, यही बेसिक स्टोरी है, यही थीम ऑफ द एंशिएंट मरीनर है। क्लियर? यही मॉरल है, यही बेसिक स्टोरी है, यही थीम है जी। अभी तो आप कह रहे थे इसमें मॉरल ही नहीं है। भाई मैं कुछ भी कह देता हूँ, आपने अपने जहन से कहना है ना। जो अगर आप कहते हैं इसमें मॉरल है तो आप मजीद पॉइंट इकट्ठे कीजिए। नहीं, सोचिए तो वो एक लाइन है, उसके अलावा तो कितनी बड़ी बड़ी चीजें। और ये कोई इतना बड़ा मॉरल तो नहीं है कि आप खुदा की मखलूक से मोहब्बत करें तो खुदा आपसे मोहब्बत करेगा या आप बेस्ट मैन होंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। इससे कहीं बड़ी बड़ी बातें ग्रीक 2500 साल पहले हो चुकी हैं, ये कोई बड़ी बात तो नहीं की। सर वो जो इतने सारे लोग मर गए थे ना, तो इसका बस नेक्स को वो ब्लेस करना, ये इस चीज से वो रीजनरेशन होगा। शाबाश, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। इतने लोग मर गए और ये जिंदा रहा, मौत बड़ी पनिशमेंट होती है कि जिंदा रहकर अजियत झेलना बड़ी पनिशमेंट होती है, ये भी एक सवाल है। मैं इस चीज में हक में हूँ कि जिंदा रहकर नहीं, मरना बड़ी अजियत है। मर गए हर चीज खत्म हो गई, आपने 20 लाख इकट्ठा किया था, घर बनाया था आपने, बीवी ले आए थे, एक कुकू पैदा किया था, तो उसके बाद क्या हो गया, आप मर गए। दूसरा आदमी यह है कि वो जेल में बैठा हुआ है, जेल में बैठने वाला फिर भी वो सोचता तो है, वो जिंदा तो है। सर वो जिंदा हुआ ना, वो एक बराबर क्योंकि जिस तरह के वो एक किस्म की चारदीवारी में बंद है, उसकी सोच भी वहीं की वहीं, उसको क्या मिलेगा सिवाय डेस्परेशन के। तो मर जाए वो, मौत ज्यादा वो है आपको। अच्छा मैं एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल, आपको अल्लाह ना करे ये देखिए कैसी कैसी बातें करते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपको कोई भी पनिशमेंट जज दे देनी है, दो पनिशमेंट दे, वो कहे जी आपको फांसी लटकाते हैं, एक 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 बात, दूसरा ऑप्शन जैसे क्या होते हैं 10 साल आपको कैद देते हैं, तो आप कहेंगे मैं फांसी लगती हूँ? सर मेरी बात सुनिए, सर वो फांसी की जगह पर मेरा बेटा मेरी बात सुनो, ये जिनके जिनको फांसी लगना होता है, अगर उनकी उम्र कैद हो जाती है तो बड़े हैप्पी होते हैं वो लोग कि फांसी नहीं लगी, उम्र कैद हो गई है। नहीं सर वो तो एक अलग इशू है, हम तो वो डिस्कस नहीं कर रहे, हम तो ये डिस्कस कर रहे कि मौत से पनिशमेंट बड़ी है या जिंदगी बेहतर। तो एंशिएंट में कल्ला लाशन विच गुजर रहा है, ठहरा हुआ है, रीजनरेट भी हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, दिस इज नॉट अ मॉरल यार, ये मॉरल नहीं बनता। जो मर गए हैं वो उनका क्या कहोगा? तो फिर ये क्यों लिखा है? अच्छा कुछ लोग, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है, एक आदमी है उसके बेटे की डेथ हो गई रोड के ऊपर मोटरसाइकिल के साथ, ठीक है। उसका बाप बहुत अमीर आदमी था लेकिन वो दूध में पानी मिलाता था, ठीक है। मेरे वाले साहब कहने लगे, कहते हैं जरा बाला है ना इन्हों सजा मिली है करतूतों दी, ठीक है, तेरा पुत्र मर गया। मैं कि अब्बा जी ये मैं समझ नहीं आएगा, बाला बेईमान है, बाला दोदला बेईमान है, उसका पुत्र तो नहीं ना, मर पुत्र किया तो सजा बाले नू मिल रही है, बाला तो जिंदा बैठा है। अच्छा आप इस हक में फिर तो जज कहे ठीक है जी तूने फिलहाल का बेटा मारा, हम तेरा बेटा मार देते हैं, सारी जिंदगी तक तो तड़पता रहे,
आपको सजा का क्या तरीके कार है तो वो डिपेंड करता है आपके क्राइम के ऊपर। अगर आप ये नेचर लेवल पे यूं बैठ के ले रहे हैं तो वो और तरीके का है। आप वर्ल्डनेस को सुपर नेचर और नेचर तीनों चीजों को एक जगह एक पॉइंट पे इकट्ठा नहीं कर सकते, तीनों के क्राइटेरिया डिफरेंट है। ठीक है आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन है ठीक है सारे, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। थ्री, अनट्रम्बल्ड यानी कि बहुत जबरदस्त पुरजोश, प्रोग्रेस एंड अनट्राइड सक्सेस और तरक्की और कामयाबी आर सिंबलाइज्ड बाय द बिगिनिंग ऑफ द वेज। तरक्की को कामयाबी को सिंबलाइज किया गया किस चीज़ से, आगाज के वेज से। अल्बेट्रॉस फॉलोइंग द शिप सीम्स टू स्टैंड फॉर द पावर ऑफ नेचर। अल्बेट्रॉस जब शिप के पीछे आया तो ऐसा लग रहा था कि नेचर पावरफुल है, वो नेचर की पावर को सिंबलाइज करता है। देन अब नेचर की पावर को क्या सिंबलाइज करता है, वो मुकद्दस परिंदा अल्बेट्रॉस, वो साउल थी, क्राइस्ट साउल थी। द क्वाइट देन क्वाइट वांट ओनली एंड फॉर नो रीजन द मरीनर किल्स द अल्बेट्रॉस। फिर बस वो चाहता था और कोई वजह ही नहीं थी, मरीनर ने अल्बेट्रॉस को मार दिया एंड द शिप बिकम्स बिकॉम्ड, शिप रुक गया और बिकॉम हो गया, सुकून में आ गया, रुक गया नहीं सुकून में आ गया, यानी कि वो अपने रास्ते पर सही रवा दवा हो गया। अल्बेट्रॉस को जूं ही उसने मारा था तो एक बार शिप बेटर पोजीशन में आ गया था, हालात बेहतर हो गए थे फौरन। फिर कुछ दिनों के बाद फिर मिस्ट आई थी। नेचुरल लाइफ बिकम्स अगली एंड थ्रेटनिंग इंस्टेड ऑफ फ्री एंड ब्यूटीफुल अल्बेट्रॉस। फिर क्या हुआ, नेचुरल लाइफ मजीद अगली हो गई, थ्रेटनिंग हो गई, अब जिंदगी फ्री नहीं रही, ब्यूटीफुल नहीं रही अल्बेट्रॉस की तरह। क्लियर, क्या कहना चाह रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं कि पनिशमेंट की, कि उसने अल्बेट्रॉस को मारा तो हालात स्टेबल हो गए, नहीं हालात खराब हो गए ओवरऑल, एक बार स्टेबल हुए फिर फौरन ही खराब हो गए ओवरऑल। क्या हुआ रिजल्ट कि खराब हो गए, तो मॉरल हो गया ना कि आप अगर नेचर को मारेंगे, नेचर को अब्यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी, सर्कमस्टेंसेस बैड होंगे। देन इट सो हैपेंड ऑल द वेजर्स एक्सेप्ट द ओल्ड मरीनर ले डाउन डेड विद द कर्स फॉर द एंशिएंट मरीनर। फिर क्या हुआ, तमाम तर मुसाफिर सिवाय उस ओल्ड मरीनर के मर गए और फिर वो सारे के सारे मुर्दा विद अ कर्स फॉर द एंशिएंट मरीनर, एंशिएंट मरीनर को कर्स करने लगे। वो कहता नहीं कि मैं जब वहाँ से गुजरता था तो हर आँख मेरे ऊपर थी, हर मुर्दा आँख मुझे कर्स कर रही थी, लान तान कर रही थी। वो क्या नाम था उसका, जॉर्ज इलियट, जॉर्ज इलियट कहती थी, और वो उसने हैटी की पनिशमेंट दिखाई, हैटी के साथ इस तरह का सलूक हुआ, वो सीवियर सर्कमस्टेंसेस से गुजरी गुजरी ना एडम बीड में, तो एंड में कहा गया कि हैटी के जरिए राइटर ने अपने आप को पनिशमेंट दी है क्योंकि उसके भी इस तरह इलीगल अफेयर्स थे जो कि 40 साल तक चले थे। ठीक है जी, मैं इस थ्योरी को नहीं मानता। ये क्या बात हुई, एक आदमी सारी ज़िंदगी नवाज शरीफ करप्शन करे, जरदारी करप्शन करे, कोई और करप्शन करे और एंड पर एक नावल लिख दे और उस करेक्टर को बहुत ज़्यादा मुसीबतें पड़ जाए, वो कह देखें जी कितना अच्छा आदमी है, अपनी ही कहानी इस तरह करेक्टर बना के अपने आप को पनिशमेंट दे दी। अरे वाह, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ इमरान खान ऐसा करे छोड़ देंगे, आपस में उसके सपोर्टर नहीं, सब अच्छा जी। द मैनी मैन सो ब्यूटीफुल एंड दे ऑल डेड डिड लाई, तमाम मर्द ब्यूटीफुल खूबसूरत आया है, जब भी मर्द आता है साथ खूबसूरत आता है, तो सर मर्द के साथ तो खूबसूरत लगना ही नहीं चाहिए, अट्रैक्शन होती है, खूबसूरती नहीं होती, डिसेंट कह सकते हैं, डिस
पर्सन हो सकते वो भी नहीं होते, अट्रैक्टिव नहीं होते हैं. एंड दे ऑल डेड डेड लाए, और सारे मुर्दा नीचे पड़े थे. एंड अ थाउजेंड थाउजेंड स्लिमी थिंग्स, और हजारों की तादाद में कोई स्लिमी आयली सी फिसलने वाली चीजें थी. लिव्ड ऑन एंड सो डिड आई, वो रह गईं और मैं भी जिंदा रहा. दे डाइड बिकॉज द नेचर वॉज एंग्री विद देम, वो मर गए क्योंकि नेचर उनके साथ एंग्री थी. अरे भाई कसूर मरीनर का है, मर वो गए. दिस इज़ अ क्वेश्चन अगेन. ठीक है, तो तमाम सवालों के जवाब नहीं, सवाल तो बहुत सारे हैं ना हमारे पास. ठीक है, देन वी अप्रोच द टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट ऑफ द पॉइंट. द मरीनर वॉचेस द वॉटर स्नेक्स, क्या मतलब इसका? मैरिनर ने वाटर स्नेक्स देखे. द सिंबल्स ऑफ हॉरर, हॉरर्स के सिंबल्स थे. देन बट देन दे बिगेन टू अज्यूम अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ ब्यूटी. अच्छा, देन दे बिगेन टू अज्यूम अस. अच्छा, फिर यही जो एनिमल थे, कौन से एनिमल? स्नेक्स. ये क्या करने गए? दे अज्यूम, उन्होंने बड़ी दिलचस्प किस्म की, अजीबोगरीब किस्म की खूबसूरती दिखाना शुरू कर दी, खूबसूरती ओढ़नी शुरू कर दी. ओढ़नी ओढ़ के नाचूं पिया तेरे नाम की, ये स्नेक्स ऐसा नाच रहे थे वहाँ पर, खूबसूरत लग रहे थे. ठीक है, ये मेल थे फीमेल थे स्नेक? मिक्स मिठाई नहीं आती. हाँ, तो सारे थे ना. ओके, ब्लू ग्लासी ग्रीन एंड वेलवेट ब्लैक. ब्लू थे, ग्लासी ग्रीन, ग्लास ग्रीन एंड वेलवेट ब्लैक. वेलवेट कौन सा कलर होता है? रेशमी ब्लैक. दे कॉइल्ड एंड स्वैम एंड एवरी ट्रैक वाज अ फ्लैश ऑफ गोल्डन फायर. जिस तरफ मूव करते थे तो गोल्डन फायर वहां से निकलती थी. द नेक्स्ट मोमेंट ही इज इंचेंटेड बाय देयर ब्यूटी एंड ही ब्लेसेस देम. फिर वो इन ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इंचेंटेड अट्रैक्ट हुआ और उसने उनकी प्रेज की. एज अ रिजल्ट पीस कम्स इनटू हिज हार्ट. रिजल्ट के तौर पर उसके दिल के अंदर पीस पैदा हुआ एंड ही इज एबल टू स्लीप अगेन. द विंड बिगिंस टू ब्लो अगेन एंड अ शिप मूव. अ स्पिरिचुअल पावर बिगिंस टू गाइड एट होम. और एक स्पिरिचुअल रूहानी ताकत थी जो उसको घर की तरफ धकेलने लगी. Images of the homely land world begin to appear in the waste of waters. और तस्वीरें वाजे हुई. Images of homely land और homeland island की तस्वीरें वाजे हुई, शक्लें वाजे हुई. Island नजर आने लगा. हाँ, उसे island नजर आने लगा ना, अपने घर का सफर जो उधर शुरू हो गया. और इस सारे पानी के सब झगड़ों में उसे अपना घर नजर आने लगा. Sometimes a dropping from the sky, I heard the sky lark sing. कोई चीज आसमान से नीचे गिरती थी और ऐसे लगता था जैसे कि sky lark ऊपर से bird कोई गा singing करता है. Sweet song उसके कानों में आ रहा था. कितनी लतीफ, कितनी दिलचस्प किस्म की imagery है. Image चेक करें, तस्वीरें चेक करें कि आप शिप के डेक पर अकेले पड़े हुए हैं लाशों के दरमियान में और प्यासे हैं बरसों के और आपके मुंह में बारिश का पानी गिर रहा है और आपको ख्वाब आ रहा है, आपको नींद आ रही है और वहाँ पर स्काई लार्क की आवाज़ आ रही है, म्यूजिकल साउंड आ रही है और दिल में पीस वो कहता है पैदा हो गया. द मिजरी एंड बैरननेस ऑफ द प्रोसीडिंग पीरियड हैज बीन सिंबलाइज्ड बाय द ड्राउट. मिजरी, दुख और बंजरपन, पीरियड जो चल रहा था उसको सिंबलाइज किया गया है हंगर के साथ, प्यास. ड्राउट का मतलब प्यास होता है वैसे, प्यास. वाइल ब्लेसिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रेन. जब प्यास थी तो समझे कि उस वक्त बैरननेस है, दुख है, और जब बारिश है तो फिर क्या है? ब्लेसिंग है, रहमत है. इम्कान है कि अब्र रहमत यजदा को जोश आ जाए. इम्कान है
इम्कान है कि अब्र रहमत यजदां को जोश आ जाए, मुमकिन है अब्र बारिश रहमत रहमत वाली बारिश यजदां खुदा हो सकता है, मुमकिन है कि खुदा की रहमत वाली बारिश को जोश आ जाए। यजदां का मतलब खुदा। इम्कान है कि अब्र रहमत यजदां को जोश आ जाए, जुल्फों के साए डाल बड़ी तेज धूप है, हर लब पे है सवाल बड़ी तेज धूप है, हर शख्स है पुरमलाल बड़ी तेज धूप है। इस तेज धूप में गिर लड़खड़ा के गिर ना जाऊं कहीं, मुझे जरा संभाल बड़ी तेज धूप है। हुक्म दे बादलों को के खयाबा नशी हूं मैं, जामो सबू उछाल बड़ी तेज धूप है। इम्कान है कि अब्रे रहमत यजदां को जोश आ जाए, जुल्फों के साए डाल बड़ी तेज धूप है। जिंदगी जिसे समझी है अकले खाम, जिंदगी जिसे समझी है अकले खाम, सागर का है ख्याल बड़ी तेज धूप है। ठीक है, आप कहेंगे सर कोई बात नहीं, ले लेना। यकीन करें ये मॉडर्न एटीट्यूड है, दिस इज अ क्वाइट मॉडर्न एटीट्यूड। ठीक है, वो ना उसने कहा जी पढ़ लो जी, उसने इतना ज़्यादा काम किया, उसके बाद जी गवर्नमेंट उसे कहती है कि तुमने गलत किया और तुम्हें फांसी देते हैं वगरना तू कहे कि मैं अब काफिर हूँ। उसे काफिर नहीं किया, गला कटवा लिया है। तो मॉडर्न मैन कहते भी गला क्यों कटवा दिया, कह देता मैं काफिर हूँ, फिर क्या फर्क पड़ता है। वाह, बाद में घर आकर कहता कि नहीं हूँ। लो जी आगे बढ़ते हैं। द पोएम इज मोर देन एन एलेगरी ऑफ गिल्ट एंड रीजनरेशन। भाई पोएम गिल्ट और रीजनरेशन की एलेगरी, एलेगरी का मतलब नमूद नुमाइश सजावट। इसमें गिल्ट और रीजनरेशन की ये जो सजावट की गई है वो नहीं है इसका थीम पोएम का। पोएम इससे बढ़कर कोई चीज है इन एनी ऑर्डिनरी सेंस। द मरीनर इज वेरी लिटिल गिल्टी, और देखा जाए तो मरीनर तो बहुत कम मुजरिम है। बट ही हैज ब्रोकन द बाउंड बिटवीन हिमसेल्फ एंड द लाइफ ऑफ नेचर। लेकिन उसने जिंदगी और नेचर, अपने आप को उसने नेचर के साथ तो अलग कर दिया, अपने आप को हाँ उसने बाउंड तोड़ा है। ही फील्स गिल्टी, उसने गिल्ट फील किया। दैट इज वाई ही इज अशेम्ड एंड ब्लेसेस स्नेक्स, इसीलिए वो अशेम्ड था, उसने सांपों को क्या किया, ब्लेस किया। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है, इफ ही इज गिल्टी एंड दिस इज द मॉरल, तो फिर सांप ही क्यों नजर आए। सर्पेंट सर्पेंट सैटन है, हाँ साटन है, और वो क्या कहती थी? दुश्मन है ये कौन थी ओके व्हाट हैपेंड टू आमना कहती चूसर। एक और आई थी वो कहती मैं हेड मिस हूँ किसी गवर्नमेंट स्कूल की, वो कहती चूसर। तो ये दोनों को मिलाओ ना बहने लगती हैं दोनों। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू हिम व्हेन ही ब्लेसेस स्नेक्स इन ट्रॉपिकल कॉम, उसने समंदर के इस ट्रॉपिकल सुकून के अंदर, ट्रॉपिकल इज द रीजन, इस रीजन में उसने स्नेक्स को ब्लेस किया तो क्या इज अ साइकिक रीबर्थ, ये नफ्सियाती रूहानी रीबर्थ थी। इट मीन्स द शिप मूव टूवर्ड्स हिज होमली लैंड, शिप होमली लैंड घर की तरफ जा रहा था। हिज पास इज नाउ स्टेडली होम वर्ड टिल इट कम्स हिज ओन कंट्री, शिप मुसलसल घर की तरफ गया और यहाँ तक कि वो अपने कंट्री पहुँच गया। बट गिल्ट एंड रीजनरेशन इज नॉट अ फाइनल मॉरल, इट इज द लिविंग सिंबलाइजेशन
ऑफ हिज यूनिवर्सल साइकिक एक्सपीरियंस, बल्कि ये एक रूह का तजर्बा है, एक रूहानी तजर्बा है पूरी की पूरी। ये खूबसूरत बात है भाई, ये पूरी पोएम एक रूहानी तजर्बा है, एक रूहानी सफर है, बजाय इसके गिल्ट के, दैट गिव्स द पोएम इट्स लास्टिंग पावर। और ये चीज पोएम लास्टिंग पावर देती है। और ये जो थीम है कि ये एक वेज है, एक सफर है, जब आप इस पोएम को पढ़ रहे थे तो आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि आप भी वहीं पर हैं, वैसा फील हो रहा था, वैसी चीज़ें महसूस हो रही थी, तो ये स्पिरिचुअल रिलीफ था, एक जाय थी, स्पिरिचुअल काम था एक, तो यही इसका मकसद हो सकता है। आप देखिए कि मैंने इसको 10 पॉइंट्स में वो किया है। रीजनरेशन का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी रेज करे, ये क्वेश्चन बेतुका है, दैट इज़ नॉट रीजनेबल क्वेश्चन। पहली बात, ये रीजनेबल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या रेज करना चाहिए आपसे, वो कहें इमेजरी के ऊपर लिखो, वो कहें ब्यूटीफुल सीन्स लिखो, वो कहें वेज लिखो, रोमांटिसिज्म की क्वालिटीज बताओ कहाँ कहाँ मौजूद है इसके अंदर, दीज आर द बिग क्वेश्चंस। रीजनरेशन का क्वेश्चन करते हैं, दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन बिकॉज ये बेतुका है, लेकिन उसके बावजूद मैंने 10 पॉइंट्स लिखे हैं, 10 पैराग्राफ लिखे हैं। सो बाज़ुकात एग्जामिनर आपको सवाल इसलिए देता है बेतुका कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं आप उसके ऊपर। ओके, सपोज आप मेरे पास आते हैं, मैं आपसे कहता हूं ओके यू वाना एम इंग्लिश, ओके फर्स्ट देयर वुड बी अ टेस्ट। जी टेस्ट क्या है, मैं आपके सामने एक बॉल पेन फेंकता हूं, मैं कहता हूं इसको सेल करके दिखाइए, बेतुका क्वेश्चन है। आप में से मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ यू वुड फेल, आप फेल हो जाएंगे, लेकिन कोई एक तो होगा जो जीनियस होगा, जो इसको बेचने की कोशिश करेगा, कहेगा इसका कलर बहुत ब्यूटीफुल है, इसकी राइटिंग बहुत खूबसूरत है, कुछ ना कुछ कहेगा, तो वहाँ आपकी रियल क्वालिटीज़ सामने आएंगी। दिस इज़ द थिंग, नाइस ऑफ यू।